हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे 360 फीट लंबी, 30 फुट चौड़ी, 125 फुट ऊंचे पहाड़ को एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति सिर्फ हथौड़ी और छैनी से उस पहाड़ के दो टुकड़े करके रास्ता बना दिया। साथियों, हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के शान, भारत रत्न के मुख्य दावेदार दशरथ मांझी जी के बारे में, जिनका एक स्लोगन था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस स्लोगन को अंबेडकरवादी कहते हैं कि मनुवाद अगर पहाड़ है तो हम भी अंबेडकरवादी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, दशरथ मांझी के संघर्ष की कहानी को शुरू करूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के गहलौर गाँव में पड़ता है। उस गांव में न तो स्कूल की व्यवस्था थी, न तो हॉस्पिटल की व्यवस्था थी और पानी की भी व्यवस्था लगभग गांव से 3 किलोमीटर दूरी पे थी। अगर गांव का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था या उसे किसी वस्तु की जरूरत होती थी, गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर बजीरगंज जाना पड़ता था, तब जाकर के गहलौर गाँव के लोगों की जरूरतें पूरी हो पाती थी। गहलौर गाँव और बजीरगंज की दूरी के बीच में जो सबसे बड़ा बाधक था वो था पहाड़, क्योंकि पहाड़ के वजह से ही गहलौर से वजीरगंज जाने के लिए लोगों को 70 किलोमीटर दूरी का रास्ता तय करना पड़ता था। दशरथ मांझी बहुत कम उम्र में ही घर से भाग करके धनबाद चले गए थे और वहां जाकर के कोयले की खदान में काम करते थे। 7 वर्षों तक लगातार वह कोयले की खदान में काम करते रहे। फिर उनके दिमाग में ये आया कि अब गांव चलते हैं। दशरथ मांझी जब गांव आए तो उनकी शादी हुई। उनके जीवन संगिनी का नाम था फागुनी, जिनको वह प्यार से फागुनिया कहते थे। दशरथ मांझी रोजी रोटी के चक्कर में गांव में ही काम करने चले जाते थे। जिन खेतों में दशरथ मांझी काम करते थे उसको पहाड़ चढ़ करके जाना पड़ता था। दशरथ मांझी अपनी जीवन संगिनी से बहुत प्यार करते थे और उनकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखते थे, लेकिन यह खुशियां उनके जीवन में ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन की घटना है कि दशरथ मांझी खेत में कार्य कर रहे थे और खाना पहुंचाने के लिए उनकी जीवन संगिनी पहाड़ चढ़ करके दशरथ मांझी को खाना लेकर के जा रही थी, तब तक अचानक उनका पैर फिसल गया और नीचे गिर गयी, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें लग गयी। जैसे ही इसकी सूचना दशरथ मांझी को मिली कि उनकी जीवन संगिनी घायल हो गई है, तो वह आनंद फानंद में दौड़ करके आए और हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। लेकिन हॉस्पिटल गांव से 70 किलोमीटर की दूरी पर था और वह भी पहाड़ चढ़ करके जाना पड़ता था। लेकिन जब तक वह अपने जीवन संगिनी को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचते, तब तक वह बीच रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। फागुनी के दुनिया से छोड़कर जाने के बाद दशरथ मांझी बिल्कुल टूट गए। उनको ऐसा लगने लगा कि अगर बीच में यह पहाड़ नहीं रहा होता तो मेरी जीवन संगिनी के साथ कभी भी यह दुर्घटना नहीं घटी होती। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने सड़क परिवहन विभाग को आवेदन दिया कि पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में अच्छी सड़कें तो बन नहीं रही है, तो पहाड़ को काट करके भारत की सरकार या राज्य सरकारें सड़कों का निर्माण कभी भी नहीं करवा सकती हैं। जब दशरथ मांझी को ऐसा लग गया कि सरकार इस पे कोई भी कदम नहीं उठाने वाली है, तब उन्होंने खुद ही पहाड़ को काटने का निर्णय लिया और गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी बात रखी, हम सभी मिल करके पहाड़ को काटते हैं। जब पहाड़ को बीचों बीच से काट देंगे तो एक सुंदर रास्ता तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से शहर पहुँचना आसान हो जाएगा। लेकिन गांव के लोगों ने दशरथ मांझी जी को पागल कह करके दुत्कार दिया कि तुम चले जाओ, अनाप शनाप की बात कर रहे हो, पहाड़ काटना आसान नहीं है, यह फिजूल की बातें हैं। गांव वालों की बातें सुनकर के दशरथ मांझी को झटका लगा। तब उन्होंने कहा, इस पहाड़ को मैं अकेले काटूंगा और जब तक इस पहाड़ को तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और 1960 में वह पहाड़ का सीना चीरने के लिए अपने 2 साथियों के साथ निकल पड़े। पहला साथी था हथौड़ी और दूसरा साथी था छैनी। दोनों को लेकर के पहाड़ को तोड़ने लगे। जैसे ही दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटना शुरू किया, यह बहुत ही मुश्किल कार्य था, बहुत ही जटिल कार्य था, क्योंकि पहाड़ इतना मजबूत था कि छैनी और हथौड़ी के प्रहार से उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन दशरथ मांझी के अंदर जुनून था कि मैं इस पहाड़ को काट कर ही रहूंगा, इस पहाड़ के गुरूर को तोड़ कर ही रहूंगा और लगातार घंटों के घंटों मेहनत करके पहाड़ पर हथौड़ी और छैनी से प्रहार करते रहे। घंटे दिन में बदलने लगे, दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्तों महीनों में बदलने लगे और महीने वर्षों में बदलने लगे।
जो भी उस पहाड़ के पास से गुजरता था वह दशरथ मांझी को पागल कह करके उनके ऊपर पत्थर मार करके चला जाता था। धीरे धीरे पहाड़ को काटते हुए 22 साल बीत गए। 1960 के बाद अब साल आ गया था 1982। 22 वर्षों में दशरथ मांझी के जुनून ने पहाड़ के सीने को फाड़ करके रास्ता बना दिया था और इस रास्ते की वजह से गहलौर से वजीरगंज की दूरी जो 70 किलोमीटर थी वह सिर्फ 10 किलोमीटर हो गई। अब गहलौर गांव के लोग आसानी से स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल पहुंच सकते थे। इस रास्ते को बनाने से सिर्फ गहलौर गांव को फायदा नहीं हुआ बल्कि आसपास के 60 गांवों को इस रास्ते का बेनिफिट हुआ, जिसकी चर्चा अब आसपास के गांवों में होने लगी थी और यह चर्चा गांवों से निकल करके शहरों में पहुंची और एक न्यूज बनी। यह न्यूज पहले लोकल अखबारों में छापी गई और बाद में धीरे धीरे यह नेशनल न्यूज बन गया, क्योंकि दशरथ मांझी ने वो कार्य कर दिया था जो असंभव था, जो कार्य पूरे विश्व में आज तक किसी ने नहीं किया है। उस कार्य को दशरथ मांझी ने अपनी हथौड़ी और छैनी से कर दिखाया था। दशरथ मांझी जी के साथ जातिवाद का खेल हुआ। मैं वीडियो में आगे बताता हूँ कि जातिवाद का खेल क्या हुआ। दशरथ मांझी जी के द्वारा काटे गए पहाड़ को बाद में राज्य सरकार ने रास्ता बना करके उस पथ का नाम दिया दशरथ मांझी पथ। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने उनके साथ जातिवाद का खेल किया, क्योंकि दशरथ मांझी एक दलित समाज से आते हैं इसलिए उनके साथ जातिवाद का खेल हुआ। जिस कार्य को पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया है, जिस कार्य को पूरे विश्व में कोई सोच भी नहीं सकता है, उस कार्य को दशरथ मांझी ने कर दिखाया, उसके बावजूद भी उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। और इसी देश में न जाने कितने ब्राह्मणों को, जिनके कार्यों को आज तक कोई जानता भी ढंग से नहीं है, उनको भारत रत्न दे करके सम्मानित किया गया है। और जिस व्यक्ति ने पहाड़ का सीना चीर करके दो टुकड़े कर दिया, वह भी अकेले अपने दम पर सिर्फ हथौड़ी और छैनी के बदौलत, वह व्यक्ति भारत रत्न का इतना बड़ा दावेदार होते हुए भी उस महान व्यक्ति को सिर्फ दलित होने की वजह से आज तक भारत रत्न के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया गया है। लेकिन भारत सरकार को जातिवाद से ऊपर उठ करके जो इतना महान कार्य किया है उसके सम्मान में भारत रत्न से उनको सम्मानित करना चाहिए। दोस्तों, दशरथ मांझी जी को सिर्फ भारत सरकार ही अपमानित नहीं कर रही है बल्कि जो बॉलीवुड के नचनिए गवनिए हैं उनके जीवन के ऊपर फिल्म बनाई गई। फिल्म को बनाने वालों ने कहा था कि फिल्म से जो भी कमाई होगी उसका 2% मांझी परिवार को दिया जाएगा। वह फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि उस फिल्म की लागत से 3 गुना 4 गुना कमाई हुई। इतनी कमाई होने के बावजूद भी फिल्म के प्रोड्यूसरों ने मांझी परिवार को 1 रुपए का सहयोग नहीं किया। अगर वहीं दशरथ मांझी दलित न होकर के किसी सवर्ण जाति से होते तो उनको भारत रत्न कब का घोषित कर दिया गया होता। दोस्तों, 17 अगस्त 2007 को कैंसर की वजह से एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में दशरथ मांझी की मृत्यु हो गई, जिनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोस्तों, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पे आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।